हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। अर्जेंटीनियन लीग का मैच होने वाला है जेयूएस वर्सेस एएलडी के बीच 5 घंटे 7 मिनट के बाद। गाइस, ये मैच इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी मैच। ये मैच को मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो स्किप कर लो, क्योंकि लेट नाइट मैच है। मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि 3 बजे तक जागो, क्योंकि देखो मैं आपको स्पेशल नहीं जागना भाई, बेकार मैच है। अगर अच्छा होता तो मैं बोल देता। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, देन यहाँ पर जो मैच हो रहा है ना JUS और ALD में, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ना फेवर की बड़ी मुश्किल है। जैसे मैं ALD को फेवर कर रहा हूँ तो हो सकता है कि JUS गोल करे और जीत जाए, और अगर मैं JUS को फेवर करता हूँ तो हो सकता है कि ALD जीत जाए। इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ में से कोई भी गोल कर सकता है, और हो सकता है कि दोनों तरफ से भी गोल ना हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वीक टीम है। ये हर सीज़न की सबसे वीक टीम है। इस सीज़न रैंकिंग में ज़रूर आपको 3-4 नंबर पर दिख रही होंगी। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि सीज़न की शुरुआत है। जिस सीज़न के एंड तक, जब तक फाइनल्स हो जाएंगे तब तक ये टीम्स फ्लॉप हो चुकी होंगी, इनसे एक गोल नहीं होता। फिर जाके बात करें गोलकीपर की, देन मैं फर्स्ट प्लेयर एजिकल उसने, जो कि पिछले मैच में भी मैंने लिया था और वेल परफॉर्म नहीं करके गया, मतलब 50% गोल सेविंग रेशियो था, ये बहुत कम होता है। एंड आगे से अगर हम बात करें रोमन की, देन एफ रोमन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दी कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि जो लोग ALD को प्रॉपर फेवर कर रहे हैं तो उनके लिए तो रोमन एक बहुत बढ़िया पिक है। साथ ही साथ जैसे मैं अगर ALD को प्रॉपर फेवर कर रहा हूँ तो मेरे लिए रोमन एक मेन पिक है और मैं इसको लूँगा ही लूँगा। एंड वेलेंटिनी की बात करें, यहाँ पर है निकोलस वेलेंटिनी इज़ ऑल्सो ए ग्रेट प्लेयर। इसके भी खेलने का तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो मैं राय दूंगा कि वेलेंटिनो को टीम में लिया जाए। एंड आगे से बात करें इन नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर एमुनल इनिग्यूस इज़ एन एवरेज प्लेयर, ये थर्ड डिफेंडिंग कर रहा है। सो इसकी जगह अगर आप चाहें तो ऊपर से एन कोलोम्बो हो गया, या आपकी मन पसंदीदा कोई भी प्लेयर हो गया, आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि JUS टीम भी हो सकता है कि कुछ करे। इसलिए अगर आप कोलोम्बो के साथ जा सकते हैं तो जानना चाहें तो जा सकते हैं, बाकी मैं नहीं जा रहा। और रफिनो लुशेरो को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, और अगर कुछ अदला बदली होती या कुछ बदलाव होते हैं या इसके बदले कोई और प्लेयर खेलता तो इतना बदलाव अपनी अपनी तरफ से कर सकते हैं। आगे से अगर मैं बात करूँ तो ये मत समझना मैंने शुरू के 4 प्लेयर उठा लिए, ऐसा नहीं है। इनके पीछे का रीज़न सुन लो। सबसे पहले आते हैं इस पे, जिसका नाम है केविन ग्यूटर्स इज अ नॉर्मल प्लेयर। ग्यूटर्स के खेलने का तरीका बाकियों से थोड़ा अलग है, बाकी ग्यूटर्स की असिस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे से अगर बात करें निकोलस को, पिछले मैच तक तो कोई पूछ नहीं रहा था, आज 90% सिलेक्टेड है। हैरानगी की बात है यार, पिछले मैच तक 30% भी नहीं थी और आज 90, और ऐसा भी कुछ खास काम किया नहीं उसने। एंड मेली की बात करें तो यहाँ पर है मार्शियलो मेली, इसने इस सीज़न में गोल भी कर दिया, तो मेली को लेना ज़रूरी है। एंड मेशियल असिस्ट वगैरह भी ध्यान देते, सो लियन एड्रो मेशियल इज ऑल्सो कैन असिस्ट। गोल की बात तो नहीं कहूँगा, बाकी करना हो तो कर भी ले। एंड आगे से अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है मार्टिन कुटरेशियो, जो कि पेनल्टी टेकर, एक्चुअली जो गोल हुआ भी था लास्ट वो भी पेनल्टी गोल था, उसके बाद कोई गोल इस द्वारा नहीं आया। सो कैप्टन रखना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा रिस्की है। एंड एन लियोनियल को जानते ही होंगे, अगर इन नहीं खेलता देन इसकी जगह कई बार इसको खिलाते हैं एल्बर्ट को, तो देख लेना। बाकी मैं अभी तक उसके साथ ही हूँ, और भी मार्टिनेस को मैं नहीं लूँगा अगर खेला भी। तो बात करें तो देखो, मेरा जो कैप्टन है वो है कोटरेशियो एंड वाइस कैप्टन रोमन। ये है रिस्की टीम, अगर आपको सेफ जाना कुछ ना करो, रोमन को कैप्टन रख लो, वाइस कैप्टन वेलेंटिनी को या इंग्विस को मत रखना, वेलेंटिनी रख सकते हो। तो ये हो गई मेरी सेफ टीम, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।